हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो टॉपिक है, चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि न्यूरॉन्स होता क्या है और इसके फंक्शन क्या है। आप यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसका फंक्शन क्या है, ये टॉपिक आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरॉन्स है क्या। देखिए, न्यूरॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूरॉन्स के लिए एक डिफिनेशन बनता है कि न्यूरॉन्स इज द न्यूरॉन्स या न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसकी एक यूनिट होती है न्यूरॉन। और हमारे बॉडी में बहुत सारे, यानी कि अप्रोक्स बात किया जाए तो 100 अरब से भी ज्यादा जो है न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये पूरे बॉडी में एक कह सकते हैं कि नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये जो है हमारे जो वहां पर इंपल्स होते हैं या फिर जो हमारे आदेश होते हैं उस आदेशों को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं और वापस जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर के आने का कार्य भी करते हैं। तो इस तरह से ये जो होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टर्स के फॉर्म में ये काम करते हैं। इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसरी ऑर्गन से लेकर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाते हैं, वहां से फिर उसका रिकॉग्नाइजेशन होता है और उसके पश्चात वो इंफॉर्मेशन को वापस मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन्स में भेज दिया जाता है। तो ये इसका जो मेन रोल होता है, जो न्यूरॉन होते हैं इसका मेन रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। यानी कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन का कंडक्शन करने का काम जो है ये नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन करता है। अभी मैं बात करता हूं न्यूरॉन्स के बारे में। देखिए, जो न्यूरॉन्स होता है इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। एक जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं साइटॉन। जो ऊपरी वाला पार्ट है इसको हम लोग साइटॉन कहते हैं या इसको हम लोग सेल बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि यही इसकी सेल बॉडी, मेन इसकी सेल बॉडी होती है। और इस साइटॉन से आप देख रहे थे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला है। अगर यहां से देखें तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो चारों फैला है, और इसलिए फैला क्योंकि इसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना है और उस इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हो जाता है। और ब्रांच जो स्टेज होती है ये यहां से डेंड्राइट्स का निर्माण यहां पर करती है। तो ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, हमारे मसल्स में या हमारे जो विसल ऑर्गन है उसमें प्रेजेंट होते हैं और साथ में जो भी उसके इंफॉर्मेशन होते हैं उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करके इस साइटॉन में लेकर के आने का कार्य करते हैं। अब देख रहे हैं कि एक यहां पर ये तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्रांच स्ट्रक्चर बना है, पर एक क्या है कि काफी सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। एक जो ऐसा है जो साइटॉन से निकला है, जैसे कि डेंड्राइट से निकले, उसी प्रकार से एक और जो है इसी प्रकार की स्ट्रक्चर यहां पर निकली हुई है जो यहां पर एक लंबी बेलनाकार संरचना बना रही है और अंतिम में चल करके यहां पर भी ये भी ब्रांच यानी फिंगर लाइक हो रहा है और ये आगे चल करके अगले वाले न्यूरॉन से जुड़ने का कार्य करेगा, उसको भी समझेंगे। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं कि जो यहां पर जो है एक सिलेंड्रिकल और काफी लॉन्ग जो है यहां पर फिलामेंट निकला है, इस कंप्लीट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। इसको कहा जाता है एक्सॉन। इस पूरे पार्ट को हम यहां पर एक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें दो पार्ट होगा, एक एक्सॉन है और इधर की ओर बात करें ये पूरा पार्ट है ये साइटॉन होता है। स्टार्टिंग करते हैं साइटॉन से समझने के लिए कि साइटॉन का रोल क्या है। अगर साइटॉन की बात करें तो साइटॉन में आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट होता है। यह क्या करता है, इट हैज ए लार्ज न्यूक्लियस। ये क्या है, एक न्यूक्लियस यानी कि बड़ा सा केंद्रक इसके पास होता है। इसके अलावा इसमें जो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अलावा इसमें कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसे निसल्स ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो निसल्स ग्रेन्यूल होता है, इस निसल्स ग्रेन्यूल का निर्माण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से, विखंडन से बनता है।
और मिसल्स ग्रेन्यूल जो होता है वो प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है और संभवतः या प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो इसलिए मिसल्स ग्रेन्यूल काफी इंपॉर्टेंट होता है। माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक दानेदार स्ट्रक्चर में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें और भी जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनेल्स इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। यानी इसके जो साइटोन है, इस साइटोन के जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और यहां से जो आप देख रहे हैं एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ये सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का कार्य यहां पर करते। तो ये तो था साइटोन। इसका जो मेन बॉडी यानी सेल बॉडी है वो होता है साइटोन। दूसरा जो पार्ट होता है वो एक्सॉन है। एक्सॉन की अगर हम लोग बात करें, एक्सॉन मेन, तो एक्सॉन जो होता है अगर देखेंगे पूरा पार्ट एक्सॉन है, और इसके सबसे अंदर की ओर की अगर हम पार्ट की बात करें, ये अंदर की ओर, तो यहां पर एक्सॉन जो है एक एक्सोलेमा से घिरा होता है। एक्चुअल में ये जैसे सेल में आप लोग पढ़ते प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, तो सेम वही होता है, बट इसके लिए हम एक अलग सा वर्ड यूज कर देते हैं, एक्सोलेमा। एंड एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, उस प्लाज्मा लेमा को यहां पर हम लोग एक्सोलेमा के से जो है रिफर कर देते हैं। और इसके चारों ओर अगर हम देखें, यहां पर एक बना दे, इसे मान लेते हैं ये हो गया एक एक्सॉन, ये हो गया एक्सॉन का पार्ट। इसके चारों ओर एक कवरिंग होता है, इसके चारों ओर एक कवरिंग होता है यहां पर, जिसको हम लोग स्वान सेल कहते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन पार्ट हो गया एक्सॉन, और ये जो पार्ट है ये श्वान सेल होता है। श्वान सेल, श्वान सेल जो होता है ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जो एग्जाम है उस एग्जाम का एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम यहां पर करता है। इसे हम लोग, ये जो पूरा पार्ट है इसको न्यूरीलेमा भी कह सकते हैं। इस पार्ट को न्यूरीलेमा भी कहा जा सकता है। मिस एक्सोलेमा जो है इसे हम लोग न्यूरीलेमा भी जो है कह सकते हैं। ये श्वान सेल होता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाओं में, मैंने कहा कि कुछ कोशिकाओं में, इस चीज को आपको नोट करना है कि कुछ कोशिकाओं में जो श्वान सेल होता है ये अपने ऊपर भी एक और लिपिड लाइक स्ट्रक्चर, लिपिड लाइक स्ट्रक्चर का एक सिंथेसिस करता है, और उससे एक और मेम्ब्रेन यहां पर बन जाता है, उससे एक और मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको कहते हैं माइलिनेटेड शीथ। माइलिनेटेड शीथ, ये जो माइलिनेटेड शीथ होता है ये सबसे बाहर होता है, और ये प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। तो माइलिनेटेड शीथ क्या होता है, जैसे यही पार्ट है, तो ये यहां पर श्वान सेल हो गया, श्वान सेल। और इसके बाहर की ओर अगर हम देखें तो कुछ में, मैंने कहा कि प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, माइलिनेटेड शीथ यहां पर प्रेजेंट होता है, नेटेड शीथ यहां पर प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में जो माइलिनेटेड शीथ होता है ये करता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आती है, जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर आती है साइटॉन के थ्रू, उस साइटॉन से जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को इधर उधर न जाने देकर के बल्कि उसके डायरेक्शन यानी यूनिडायरेक्शनल बनाता है। जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन इसने ग्रहण किया वो पहुंचता है साइटॉन में, और उसको फिर जो है एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट कर देता है। मीन्स हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल ही रहे, उसके लिए माइलिनेटेड शीथ यहां पर प्रेजेंट होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को किसी भी डायरेक्शन में मुड़ने नहीं देता, और उसके लिए एक सीधी यहां पर जो है एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में इसको जो है मूव कराता है। माइलिनेटेड शीथ का जो संश्लेषण होता है वो श्वान सेल के द्वारा होता है। श्वान सेल ही अपने चारों ओर एक कवरिंग एरिया बनाता है जिससे माइलिनेटेड शीथ का निर्माण यहां पर होता है। एज ए प्रोटेक्टिव लेयर यह भी काम करता है, और साथ में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को जो है वो उस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देता है, और उस इंफॉर्मेशन को एक यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करा करके अंतिम के जो यहां पर टीलोडेंड्रियान है उस टीलोडेंड्रियान पर भेजने का कार्य यहां पर करता है। तो इसमें जगह जगह पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर जो माइलिनेटेड शीथ यहां पर एब्सेंट होता है और अंदर की ओर ये धसा होता है, जिसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर्स, नोड ऑफ रेनवियर्स। देखिए इसमें एक चीज और आता है, मान लेते हैं जिसमें अननॉन माइलिनेटेड शीथ होता है, मान लिया किसी किसी में नॉन माइलिनेटेड शीथ भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, वहां पर जो है जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूरॉन्स में जो है
नॉन माइलिनेटेड होता है, मींस उसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, बट हमारे जो स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व है उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो ये क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर्स क्या प्रेजेंट होते हैं जहां पर माइलिनेटेड शीथ एब्सेंट होता है, क्योंकि अंदर की ओर ये धंसा हुआ होता है। अब ये करता क्या, यह इंफॉर्मेशन दो प्रकार से आता है, एक तो इंफॉर्मेशन जहां पर नॉन माइलिनेटेड होता है वहां पर इंफॉर्मेशन इस इनर फॉर्म में होते हुए आता है, और एक दूसरा प्रोसेस होता है साल्टेशन कंडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपके कंपटीशन से पूछा जाता है क्वेश्चन कि साल्टेशन कंडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए साल्टेशन कंडक्शन क्या होता है कि जब वहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो है नोड टू नोड यानी नोड टू नोड जो यहां पर जंप करे और इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो मूव करे, यानी कि कैसे इंफॉर्मेशन मूव कर रहा है, इंफॉर्मेशन मूव कर रहा है बाय जंप, यानी जंप कर करके, और किस पर जंप कर रहा है, नोड टू नोड पर, नोड टू नोड मीन्स वहां पर नोड से नोड पर। और इस प्रकार की प्रोसेस तब होती है जब इंफॉर्मेशन को बहुत ही तेजी से जो है उसको अगले वाले जो न्यूरॉन से उस न्यूरॉन से भेजना होता है, और वहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वहां पर जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है वो साल्टेशन कंडक्शन होता है, जिससे जो यहां पर इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन जंप करता है नोड टू नोड, यहां पर जंप करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो इसको वो कहते हैं साल्टेशन कंडक्शन के नाम से इसको जो है जानते हैं। ये हो गया, तो इस तरह से आप देखें कि किस प्रकार से जो न्यूरॉन्स से उस न्यूरॉन्स के एग्जाम से जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन यहां से आती है और माइलिन शीथ उस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देता है। हालांकि माइलिन शीथ सभी प्रकार के न्यूरॉन्स में नहीं पाया जाता है, इस चीज की मैं पहले बात कर चुका हूं। तो ये यहां पर आता है, अब जब इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंच जाता है, यानी कहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचता है, टीलोडेंड्रिया पर, टीलोडेंड्रिया पर पहुंचता है, तो यहां पर अंतिम के यहां पर पोर होता है, इस पर सिनेप्टिक नॉब होते हैं, यहीं पर प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक नॉब। अब सिनेप्टिक नॉब होता है, इसका काम क्या होता है, जो अगला न्यूरॉन्स होगा, अभी अगला जो न्यूरॉन्स होगा उस न्यूरॉन से यहां पर, ये इस तरह से हम बना देते हैं समझने के लिए, आप समझ जाएंगे, ये सेम है ऊपर वाले को यहां बना रहा है, बस थोड़ा सा यहां पर मैं इसको रफली डायग्राम बना दिया है। तो ये क्या करता है, सिनेप्टिक नॉब जा करके अगले वाले टीलोडेंड्रिया में इसके सिनेप्टिक नॉब से जुड़ा होता है। मैं इसके सिनेप्सिस का एक वीडियो बना भी चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको जल्दी समझ लेते हैं। जैसे यही पोर्शन है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये पहला वाला इसका है, इस वाले का, और इसका अगर देखें तो इसका कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोनों के बीच में सिनेप्सिस बनता है और यहां पर एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इसके जो यहां पर इंफॉर्मेशन आया रहता है उस इंफॉर्मेशन को अब ये न्यूरॉन्स जो है ये निर्धारित करता है, रेगुलेट करता है कि इंफॉर्मेशन जाने योग्य है या नहीं जाने योग्य है। मीन्स इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन के अंदर जो है कह सकते हैं कि उसके वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उसको वो अंदर जाने देता है, अन्यथा उसको इंफॉर्मेशन को वहीं पर रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। तो यहां पर इंफॉर्मेशन को तेजी से ट्रांसमिशन करना है या फिर इंफॉर्मेशन को इनहिबिट करना है, यह पूरा रोल होता है इस जो सिनेप्टिक नॉब का। इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और यही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि एसिटिल कोलिन होता है मेनली, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो वहां पर डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी जो होता है वो भी वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में काम करता है। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन आई, इस इंफॉर्मेशन को न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है ये अगले वाले यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में भेज दिया जाता है, यानी ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स जहां से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, और जिसमें इंफॉर्मेशन को भेजना है उसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहते हैं। तो अब ये इंफॉर्मेशन यहां से आया और ये इंफॉर्मेशन आते हुए इसके थ्रू इस वाले प्रवेश किया, अब ये अगले वाले से फिर ये प्रोसेस आगे चलेगा, और इस तरह से एक जो है वन बाय वन न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक
पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांस कंडक्शन करने का जो काम होता है वो कंडक्शन करता है हमारा न्यूरॉन्स, यहां पर कंडक्शन का काम करता है। अब मैं बात करता हूं माइलिनेटेड शीथ किसमें प्रेजेंट होता है और किसमें नहीं प्रेजेंट होता है, इसकी भी यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स उसको हम कहते हैं कि जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग माइलिनेटेड या माइलिन नर्व शीथ के नाम से या नर्व स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग माइलिनेटेड नर्व स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं या इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। कौन कौन से न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, तो उसमें से ये खाता है स्पाइनल नर्व होता है, स्पाइनल नर्व, और दूसरा होता है जो क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व, इसमें जो है माइलिन शीथ निश्चित रूप से प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी हमारे बॉडी का एक वीआईपी पार्ट है, यहां से इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देना है, इसीलिए यहां पर जो है स्पाइनल नर्व और जो क्रेनियल नर्व है, जो स्पाइनल से निकलने वाले नर्व या क्रेनियल से निकलने वाले नर्व होते हैं, ब्रेन से निकलने वाले नर्व होते हैं, वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। समझेंगे कैसे होते हैं इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये होते हैं। देखिए जैसे ब्रेन पड़े होंगे, जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर एक ब्रेन का स्ट्रक्चर एक रफली डायग्राम यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है, ये हो गया स्पाइनल, ये हो गया ब्रेन, ठीक, ये ब्रेन का पूरा पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए जो ब्रेन होता है इसमें से स्पाइनल नर्व की बात करें तो स्पाइनल में भी जो साइटॉन होते हैं इस तरह से यहां से नर्व निकले हुए रहते हैं। देखिए एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जैसे साइटॉन, आप देखिए कि मैंने अभी बनाया है साइटॉन है, ये साइटॉन वाला पार्ट है और ये इसका एग्जॉन होता है, इसका एग्जॉन होता है। तो ये साइटॉन होता है, ये साइटॉन इस स्पाइनल कॉर्ड में धसे होते हैं और उसका आप यहां पर इस किस तरह से इसको दर्शा सकते हैं, ये इसका नर्व वो यानी एग्जॉन है, ये इस तरह से ये ऊपर साइटॉन धसे हैं और ये यहां पर नर्व जो वो एग्जॉन जो है वो यहां पर निकला हुआ रहता है इस तरह से। तो देख रहे कि साइटॉन धसा है और उसके जो एग्जॉन होता है वो एग्जॉन बाहर क्यों निकला होता है, इसे हम स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व क्या होता है, इस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके द्वारा इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने दिया जाता है। दूसरा इसी प्रकार से जो क्रेनियल नर्व होता है इसमें भी इसके जो है जो भी साइटॉन होते हैं धसे होते हैं, बाकी जो उसके एग्जॉन होते हैं वो बाहर की ओर निकले होते हैं इस तरह से ये। तो ये भी जो होते हैं इसको हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं, ये क्रेनियल नर्व में भी माइलिनेटेड शीथ इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है यहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन मीन्स जिसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, यानी ऐसी व्यवस्था हमारे बॉडी में जो बहुत ही वीआईपी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे अगर एक आम आदमी की बात किया जाए तो वो अपनी कोई भी चीज होती है वो किसी से शेयर कर सकता है। बट अगर हम बात करें जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति या पीएम है, वो अपनी सारी बातें सभी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये एक वीआईपी फॉर्म में आ जाता है और बाकी जो होते हैं वो नॉन वीआईपी में आते हैं और उन पर आवश्यक नहीं है कि उनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट हो। तो नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें आता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसके अलावा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ये यहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये यहां पर माइलिन शीथ और नॉन माइलिन शीथ होता है।
अभी मैंने इसके पहले बताया था कि जो माइलिन शीथ होता है, इस माइलिन शीथ का निर्माण जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ श्वान सेल, श्वान सेल यानी श्वान कोशिकाएं जो होती हैं, उन श्वान कोशिकाओं से माइलिन शीथ का यहां पर निर्माण होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड की, तो ऐसा ये नहीं कि बस इतने ही जो स्पाइनल नर्व या क्रैनियल नर्व ही जो प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, उसके एक्सॉन भी जो है वो अंदर ही के फॉर्म में होता है। तो उस कंडीशन में वहां पर जो माइलिन शीथ होता है वो माइलिन शीथ श्वान सेल के द्वारा निर्मित नहीं होते। ध्यान के जो श्वान सेल न्यूरोग्लियल सेल होता है, तो ये जो माइलिन शीथ होता है श्वान सेल में, जैसे मान लेते हैं इसी ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर मान लेते हैं यहां पर जो है, इस तरह से मैं बना रहा हूं एक रफली डायग्राम समझने के लिए केवल, जो है जैसे यहां पर है, ये आप देख रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसे इस तरह से छोटे छोटे भी न्यूरॉन्स जो होते हैं जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, उससे कोई भी फाइबर यहां पर निकला हुआ नहीं होता है, उस पर भी माइलिन शीथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पाया जाना चाहिए। बट वहां पर जो माइलिन शीथ का निर्माण होता है वो श्वान सेल के द्वारा नहीं होता है। इसी में होता क्या, एक होता ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, इस तरह से ये होता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट ये भी क्या है, ये भी जो है न्यूरोग्लियल सेल ही होता है। और ये जो होते हैं ये एक एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट काफी जो न्यूरॉन्स हो तो उस न्यूरॉन्स से जाकर के जुड़ सकते हैं। तो एक जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट है वो काफी न्यूरॉन्स से जाकर के जुड़ सकते हैं, और ये कवरिंग करके यही जो है कुछ मैकेनिज्म के द्वारा ये यहां पर जो है माइलिन शीथ का निर्माण करता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो माइलिन शीथ होता है वो माइलिन शीथ, अगर हम वहां पर बात करें अंदर क्यों ना, यानी क्रेनियल के अंदर की न्यूरॉन्स की बात ना कर रहे, नर्व फाइबर की बात करें, तो स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व की बात करें, तो वहां पर जो है जो माइलिन शीथ होता है वो श्वान सेल से बनता है। बट अगर वहां पर ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट वहां पर न्यूरॉन्स होते हैं, जस्ट इसमें क्या नाम है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें अगर माइलिन शीथ की बात करें, तो वो ऑलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा बनते हैं। और ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट, एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट कई सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे जुड़े होते हैं, और बहुत सारे न्यूरॉन्स को जो है के ऊपर एक माइलिन शीथ की कवरिंग करते चलते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक था, आपने देखा कि किस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। और इसमें ये भी आपने देखा कि जो न्यूरॉन्स होता है वो दो प्रकार का होता है, एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट है और एक में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर से मैं बोल रहा हूं, यानी कि क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोनों को एक ही रूप में अगर देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहते हैं। मैं कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस पर माइलिन शीथ का सिंथेसिस या फॉर्मेशन जो है ऑलिगोडेंड्रोसाइट के द्वारा होता है, जबकि स्पाइनल नर्व एंड क्रैनियल नर्व पर जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है वो श्वान सेल के द्वारा निर्मित होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूरॉन्स जो होता है जो एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, एक यूनिट के रूप में काम करता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल करके नर्वस सिस्टम का निर्माण यहां पर करते हैं। और न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो न्यूरॉन का मेन फंक्शन होता है जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को टेक करके, यानी कि प्राप्त करके, जो सेंसरी ऑर्गन होता है उस सेंसरी ऑर्गन से प्राप्त करके सेंसरी नर्व के द्वारा जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, वहां से फिर मोटर नर्व्स के थ्रू वापस इफेक्टर ऑर्गन को वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन का कंडक्शन का करता है, काम करता है वो न्यूरॉन्स होता है, और न्यूरॉन्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो फिर से इस वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखेंगे तो आपके सारी डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगी, इस न्यूरॉन्स से जुड़ी हुई जितनी भी डाउट रहती है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।